अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्ली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने इंडोर यूनिट मौजूद है जिसकी हालत आप देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड है। यहाँ पर इसको हमने पेंट किया हुआ है और सही अच्छे वाला पेंट किया हुआ है। इसका रीज़न क्या है और ऐसी प्रॉब्लम क्या आई कि हमें ये करना पड़ा? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि जैसे कि स्पेशली डिस्काउंट चल रहा है हमारे पीसीबी कोर्स में, आप पीसीबी कोर्स जो है वो 4000 रुपये में सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख सकते हैं। मतलब सिर्फ इन्वर्टर, एसी, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, पीसीबी, कंप्रेसर टेस्टिंग, इनके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग और उनको किट से बाहर निकाल कर टेस्टिंग, उनका बेसिक वर्क क्या है, कहाँ पर कितने वोल्टेजेस आते हैं और कैसे उनको चेक किया जाता है, मीटर से, सीरीज सर्किट से, करंट देकर आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और पीसीबी का काम कैसे सीख सकते हैं। और प्लस इसमें आपको पीसीबी कोर्स ख़रीदने के साथ साथ आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा HVACR का एप्लीकेशन, जिसमें तमाम AC के एरर कोड्स, वाशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन के एरर कोड्स और भी बहुत सारी डिटेल आपको एक बुक की तरह ही एप्लीकेशन मिल जाएगी। और बड़ी बात ये, आपने याद रखना है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, सिर्फ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता करें और इसी कॉन्टैक्ट नंबर से आप डील करें इस परचेज़ की। बहुत सारे लोग फेक भी कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये लीकेज हो चुका था। इस तरफ से अगर आपको दिखाऊँ तो इस तरफ से इसके ऊपर कार्बन तो है लेकिन लीकेज नहीं था। मतलब जो लेफ़्ट साइड है ये बिल्कुल ठीक है, प्रेशर देकर देख लिया ये लीकेज नहीं है। राइट साइड पर इसमें लीकेज थी, एवेपोरेटर बाहर निकाल कर हमने लीकेज तो इसकी क्लियर कर ली, कार्बन काफ़ी ज़्यादा था और अच्छे से साफ करके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इसकी लीकेज ऐसे ही क्लियर की हुई है। तो लीकेज क्लियर करने के बाद इसमें आप देखेंगे अभी सेंसर भी अपनी जगह पर बेहतरीन फिट हो चुकी हैं, मतलब फिटिंग अपनी जगह पर बिल्कुल फिट फाट हो चुकी है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये लीकेज था, यहाँ से आप देखेंगे कहीं पर शायद आपको देखने को मिले, लेकिन अभी पेंट हो चुका है, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोल्डरिंग मतलब यहाँ से वेल्डिंग किया हुआ था, तो कुछ इसमें चंद जो है टांके लीकेज थे तो वो हमने जो है इसमें रिसोल्ड कर दिए। रिसोल्ड करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर ये पेंट इसलिए किया, अभी दूसरी साइड पर भी कर देंगे, इसलिए पेंट किया अच्छे से ताकि इसमें जो है दोबारा कार्बन ना आए। मतलब इसकी लाइफ, मतलब एक तो काफ़ी ओल्ड पहले से ही हो चुका है और इसमें कुछ इसकी लाइफ बढ़ जाए। आप इसमें अच्छे वाला कोई भी पेंट कर सकते हैं जो कि जल्दी पेंट ख़राब ना हो, उतरे ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि नमी आनी होती है। और या फिर इसकी जगह लेकर आप कर सकते हैं, लेकर भी आप कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं किसी भी कलर का। तो यहाँ पर आपने फिन्स जो है, फिन्स की तरफ पेंट बिल्कुल भी नहीं करना। फिन्स जो है इसकी जो जाली है, फिन्स, तो वहाँ पर आप अखबार रख लें, कोई भी आप शॉपर रख लें या कोई भी आप कागज़ रख लें, जिस फिर आप इसको पेंट करें स्प्रे वाला या दूसरा, तो फिर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे ऊपर नीचे से अंदर से, इसको बाहर निकाल कर एवेपोरेटर को, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ हमने किया, ये छोटी सी वीडियो थी और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमने किस लिए पेंट किया। हमने इसको मज़ीद यानी कि एक्स्ट्रा लाइफ देने के लिए किया और इसमें लीकेज थी, लीकेज क्लियर की और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। जो कार्बन था पहले, लीकेज क्लियर करने के बाद इसमें प्रेशर हमने एक दिन स्टैंड किया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने राइट साइड पर पेंट कर दिया है फिन्जो को बचाते हुए, लेफ़्ट साइड पर भी हम उसको साफ़ करके कार्बन को पेंट कर देंगे, तो इसकी लाइफ जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। और एक और आपको एडवाइस देता चलूँ यहाँ पर, वह ये कि अगर न्यू AC आप परचेज़ करें तो न्यू AC को आप फर्स्ट हैंड ही अगर आप इस तरह का काम कर लेते हैं तो उसकी लाइफ न्यू AC की वैसे तो होती ही है काफ़ी, लेकिन और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। मतलब किसी ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, गंदा नाला चलता है, गंदे नाला यानी कि गंदे पानी वाला, फैक्ट्री का पानी चलता है, तो वो जल्दी यानी कि फिर लीकेज के चांसेस बनते हैं, AC पर इफ़ेक्ट करता है, उसकी नमी इफ़ेक्ट करती है। तो आप अगर उसको इस तरह से कोटिंग कर देंगे तो लेकर मार देंगे या पेंट कर देंगे, चाहे नया AC है,
तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।